दोस्तों वैसे तो फेस्टिव सीजन जा चुका है, लेकिन गेमर्स का फेस्टिव सीजन तब आता है जब प्लेस्टेशन का कोई एक्सक्लूसिव टाइटल रिलीज होता है, और सोने पे सुहागा तब माना जाता है जब उस टाइटल का मिडनाइट लॉन्च हो और वो हमारे चैनल नमोकार गेमिंग वर्ल्ड पर आपको दिखाया जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर। मैं आपकी दोस्त हूँ नूनी जैन, एक बार फिर से व्लॉग बनाने आ गई हूँ दिल्ली की गफ्फार मार्केट, और यहाँ पर आपको पता है शॉप नंबर 125 कालरा इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रेजेंट हूँ। मेरे साथ है रिंकू जी, देने वाले हैं डेस्ट ट्रेंडिंग के मिडनाइट लॉन्च की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। हेलो रिंकू जी। हेलो, सही हो आप? सब बढ़िया, सब बढ़िया, आप सुनाओ? बस बढ़िया। दिवाली पे पटाखे उठाके चलाए? नहीं चलाए। नहीं, पटाखों से क्या होता है, वो तो बच्चे चलाते हैं, हमें तो बड़े बम की बात करो। इन्होंने तो हाँ एटम बम वगैरह छोड़े होंगे और आपके तो बम तभी छूट जाते हैं जब भाई बढ़िया से गेम्स वगैरह सेल हो जाए। नहीं, हम तो बम इसको फोड़ना बोलते हैं, कोई अच्छी बड़ी गेम आए और हम अपने व्यू को अच्छे रेट पे ला के दे। दिवाली पे काम कैसा रहा? बुटी नहीं है, बहुत नॉर्मल, इतना नहीं लोग कह रहे। नहीं, ठीक था, बहुत अच्छा था। मतलब पहले वाली बातें तो नहीं रही, लेकिन ठीक था। नहीं, वैसे पहले वाली बातें तो रही हैं, देखो ना जरा, पहले लोग बाहर जाके दिवाली मनाते थे, पटाखे पटोखे फोड़ते थे, एक अलग ही कल्चर मिलता था उन्हें, और आजकल घर में बैठ के गेम खेलते हैं आप लोगों की वजह से। नहीं नहीं नहीं, देखो घर बैठने का मकसद, लोगों के जो खर्चे हैं ना लिमिटेड हो गए हैं। अच्छा। पहले अनलिमिटेड थे, अभी ये है कि पोल्यूशन हो गया इसलिए बाहर नहीं जाना। हाँ। गेम खेल के सेव रहना, बॉडी को सेव रखना। गेम खेल के दोस्तों कौन हेल्दी होता है, ये रिंकू जी से पूछो। नहीं नहीं, अब बॉडी तो सेव रहेगी ना। अच्छा। बाहर जाके पोल्यूशन, दिवाली वाले दिन कौन खाएगा। हाँ, सही बात है, वही बात है। दुकान पे कहते बिजनेस करने का तरीका होना चाहिए, जो रिंकू जी का बहुत ही बेहतरीन है। तो ये पोस्टर है हमारे पीछे भी, और बताओ। वही आपको शायद इनको तो मालूम ही होगा जी। 7 तारीख रात को 10:30 बजे डेस्ट ट्रेंडिंग, जो हमारी सोनी की एक्सक्लूसिव गेम है जी। रात को हम कालरा इलेक्ट्रॉनिक पे लॉन्च कर रहे हैं जी, जी, जी। तो जिनकी ऑलरेडी काफी प्री बुकिंग भी आ चुकी है। तो ये पोस्टर्स जो है आप मतलब मिडनाइट लॉन्च में जिन लोगों ने प्री बुकिंग कराई है उन्हीं को दोगे आप? हाँ, जिनकी बुकिंग है उनको तो देंगे ही, और जो आउट ऑफ दिल्ली से बुकिंग हुई है उनको भी जाएगा जी। ऐसा नहीं, और जो भी मर्चेंडाइज आएंगे उस दिन, जो बच्चे आएंगे, जैसे मैंने RFID बोला था, कुछ टी शर्ट्स है, कुछ मग्स है, वो सेम डे जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट होंगे उनको वो भी कुछ मिलेगा। अच्छा, IGN ने 6.8 रेटिंग दी है जैसे कि डेस्ट रनिंग को। हम सोच रहे थे एक्सक्लूसिव टाइटल है, गेम ऑफ द ईयर जाने वाला है, बड़ी एडवांसमेंट होगी, तो आपको लगता है आपकी प्री बुकिंग में कुछ ना कुछ फर्क आया है? लोग मतलब डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं या आपसे पूछ रहे हैं ज्यादा इसके बारे में? इस पॉइंट पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। रीजन देखो, लोगों की सोच तो आज उसका रिव्यू क्या है, उसका लोगों ने सीढ़ी तो लेनी है। बिल्कुल। अब IGN ने अगर 6.8 दिया है तो दूसरा ये गेम्स बोर्ड ने कितना दिया है? हाँ, वो तो बड़ी अच्छी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 9 बाकियों की भी चेक करो, सबकी हाँ, अच्छी है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि भाई गेम अच्छी नहीं है, गेम सोनी की एक्सक्लूसिव है और गेम अच्छी जाएगी भी। अच्छा अच्छा, वो भी आपको भी जैसे और 2-4 दिन में रिव्यू पता लग जाए। नहीं, एक्चुअली अभी जो लॉन्च ट्रेलर आया था लगभग 8 मिनट का, उसमें हमने खुद भी, राहुल जी और मैंने वीडियो अपने चैनल पर टेलीकास्ट की और बताया है कि गेम बहुत बेहतरीन होने वाली है, बट पता नहीं IGN का सोनी से क्या क्लैश चल रहा है, तो ऐसा कुछ न्यूज आपको पता चली? नहीं देखो, इतने डीपली में हमें जाके करना क्या है, सामान बेचना ही नहीं, अपना अपनी गेम बेच के रहेंगे। आज कई तो मैंने अभी आपको बताऊं, कई अभी सीडी किसी ने खेली नहीं जी, अंदर स्टोरी देखी नहीं, अपनी राय देने लग गए। अरे पहले सीडी आने दो, सीडी खेलो तो पता लग जाएगा ना। जी, जी, जी। कहीं तो रिव्यू देके बैठे जी ये गेम ऐसी होगी वैसी होगी, अरे तुम भगवान हो या अंतर्जामी हो भाई? गेम मैं आपको बताती हूँ कि जो इंसान जिस फील्ड से कंसर्न होता है उसको उसकी नॉलेज होती है, एक झलक से भी पता लगा लेते हैं। अगर मैं सिनेमा से कंसर्न हूँ तो ट्रेलर देखकर बता सकती हूँ कि इस मूवी में होने क्या वाला है। बात बताओ, अभी इनकी गोस्ट रिकॉन की ब्रेक पॉइंट आई, किसी को मालूम था कि वो 5-7 दिन में नीचे आ जाएगी या पिट जाएगी? नहीं, बिल्कुल मुझे मालूम था। नहीं नहीं नहीं, नहीं मालूम था। अब आपकी बॉर्डरलैंड आई थी। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, बॉर्डरलैंड को IGN ने कितने दिए? 9 दे दिया, इतनी बकवास गेम को, मतलब ना। हाँ, बिल्कुल। अब गेम कहाँ गई? बिल्कुल बेकार गेम थी, बस पूछो मत, यही तो बुराई है मैंने बैठकर करी है राहुल जी के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी को गैस नहीं करना चाहिए कि कैसी है क्या है। अभी 6.8 उन्होंने दिया ना,
कोई ये नहीं कि ये गेम 6.8 आ गया तो गेम नीचे जाएगी और 9 देने के बाद क्या हाल हुआ। जैसे दोस्तों डेज गॉन को इतनी कम रेटिंग मिली थी लेकिन गेम जब खेलने के बाद लोगों को पता चला कि भाई एक्सक्लूसिव टाइटल एक्सक्लूसिव ही होता है, तो इसी तरह से मतलब इसके सेल पे कोई असर नहीं पड़ा? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद देखना जब आपको गेम आप फर्स्ट डे खेलोगे फिर तब पता लग जाएगा, अगले दिन ही आपको रिव्यू आ जाएंगे सबके। नहीं, उस दिन के रश से भी पता लग जाएगा कितने क्रेजी हैं लोग इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी जाएगी गेम और काफी हाइप पकड़ी हुई है इस गेम ने। हिडियो कोजिमा का ड्रीम प्रोजेक्ट है आखिरकार, तो कुछ तो बंदे ने ऐसा डाला होगा ना, अपने जीवन की मेहनत छुपा रखी है। मेटल गियर जो गेम आई थी इन्हीं की थी। जी। दूसरा एक और ये तो 7 तारीख मिडनाइट लॉन्चिंग है NFS हीट को, NFS हीट के बारे में भी मैं पूछने वाली थी कि वो भी उसी दिन आ रहा है 8 तारीख को। नहीं करेंगे वो 8 तारीख को, आपको मॉर्निंग में नीड फॉर स्पीड हीट मिल जाएगी। अच्छा उसके लिए कितने क्रेजी हैं, उसके भी आप प्री बुकिंग चल रहे हैं आपके चल रही है उसकी भी चल रही है, उसकी भी अच्छी खासी बुकिंग है, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा टाइटल है वो भी। वो तो रेसिंग लवर्स तो लेते ही लेते हैं, उनको तो बस ये होता है लेटेस्ट लॉन्च कब है, बस बस बस। तो आप बताइए उसके बारे में कि लोग कंपैरेटिवली कौन सी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नहीं नहीं अभी जो हाइप पकड़ी हुई है वो डेस्ट एंडिंग में पकड़ी हुई है। अच्छा तो हीट भी जाएगी, बट जैसे सपोज अगर आज डेस्ट एंडिंग पे मेरे पास 100 की बुकिंग है तो वहाँ हीट की भी 20-25 की बुकिंग है। अच्छा मतलब 1/4 रह गई एक तरह से। हाँ लेकिन वो आप इससे कंपेयर नहीं है क्योंकि देखो इंडिया में क्या लोगों का बजट होता है, उन्होंने कुछ चूज की करके ये ओके करी होगी कि भाई डेस्ट एंडिंग को ही पहले खेल लेंगे, वो लेंगे वो भी, वो क्या करेंगे कुछ दिनों बाद उसको ले लेंगे। वैसे भी ये टाइमली एक्सक्लूसिव है, ये कुछ 6 महीने बाद सुना है कि ये पीसी वगैरह पर भी आ जाएगी, एक्सबॉक्स वगैरह पे भी आएगी डेस्ट एंडिंग। नहीं जल्दी आ जाएगी, अभी रेड डेड भी तो इन्होंने पीसी में दे दी जी, कल आज ही रिलीज हुई है, कल रात को, मतलब एक तरह से आज 6:30 बजे कहते हैं वो इंडिया में रिलीज हो आ गई पीसी में भी, क्योंकि गेम हिट हो गई तो पीसी पे भी चलेगी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आप आ सकते हैं अगर प्री बुकिंग कराना चाहते हैं तो गफार मार्केट में शॉप नंबर 125 कालरा इलेक्ट्रॉनिक्स। रिंकू जी का फोन नंबर भी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और वीडियो पसंद आया है तो इसे फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इनको जैसे हर बार की तरह जो भी इनके पास ओल्ड CD है वो लाएं, एक्सचेंज कर लें मेरे से, पुरानी दे के नई जैसे डेस्ट एंडिंग लेनी हो और जो डिफरेंस होगा वो भी हम ले लेंगे। अच्छा। चाहे आप दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो, हमारे यहाँ कोरियर भी हो जाएगा आपको जी। जैसे 60-70 रुपीज़ में ऑल इंडिया कहीं भी आप कोरियर करवा सकते हो और बजट की प्रॉब्लम कोई बड़ा इशू नहीं है। इनके पास पुरानी CD के बदले भी आप नई लेकर जा सकते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा वो पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही रिंकू जी इसका प्राइस लगभग कितना होगा? हाँ ये भी आपने बहुत अच्छी बात करी, एक तो इसमें जो बेस्ट डिस्काउंट जाएगा अराउंड ऑफ 4000 इसकी रिटेल प्राइस रखी गई है, हम लोग जो आफ्टर डिस्काउंट इसको 3600 कुछ रुपए में दे देंगे। अच्छा जो प्री बुकिंग वाले हैं उनको दोगे या वैसे नॉर्मली? देखो वैसे तो अभी नहीं कह सकता क्योंकि मैंने भी कोई 400-500 पीस तो अभी ओके नहीं करा है, जो मेरे पास नहीं, मैंने भी 250-250 पीस ही ओके करा है जो है, तो जब तक स्टॉक जितना रहेगा उतने में तो मैं करवा के दूंगा। 3600 कुछ रुपए में आपको डेस्ट एंडिंग मिल जाएगी। अच्छा। और उसमें से जो आप अपनी पुरानी CD हमें देना चाहो वो मैं लेस करके ऊपर का डिफरेंस आपसे ले लूंगा। और नमोकार गेमिंग वर्ल्ड के सब्सक्राइबर आए तो स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, क्यों नहीं कुछ बार दे ही रहे हैं, कोई किसी को रोका थोड़ी अभी तक। ठीक है, और पोस्टर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, अगर आप गेमिंग फैन है तो आपको पसंद होगा यार। कमेंट बॉक्स में बताइए कब लेने आ रहे हैं आप इनके शॉप पर, ऑनलाइन परचेज करने वाले हैं या डिस्क में परचेज करने वाले हैं, ये भी कोई खास नहीं बचे हैं। आज 5 तारीख हो गई जी, 6 और 7 मिडनाइट लॉन्च है जी जी, रात को 10:30 बजे कहना चाहते हैं आप, है ना। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, गेमिंग वर्ल्ड को भी एंड लाइव गेमिंग को भी, नमोकार गेमिंग वर्ल्ड, नमोकार लाइव गेमिंग को। इसी तरह से लेकर आते रहेंगे अलग अलग व्लॉग्स आपके लिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।